हेलो दोस्तों, आज हम 9th क्लास की फर्स्ट पोएम करेंगे, जो है द रोड नॉट टेकन। इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन फॉर As far as I could, to where it bent in the undergrowth. इस बारिश की हिंदी देख लेते हैं। येलो वुड इसलिए कहा है, पतझड़ का मौसम है, पतझड़ की ऋतु के कारण जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं उसके कारण इसे येलो वुड कहा है। पीले पत्तों वाले एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में बट रही थी। ये पोइट कह रहा है कि उसे बड़ा खेद हुआ कि आज मैं अकेला यात्री था और दोनों सड़कों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था। मैं वहाँ बहुत समय तक खड़ा रहा और उन दो सड़कों में से एक को वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच सकती थी और जहाँ यह झाड़ियों के मध्य एक तरफ को मुड़ जाती थी। यानी कि उसने उस एक रोड को वहाँ तक देखा जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी, जब तक वो आगे जाके कहीं मुड़ नहीं जाता, वहाँ तक उसने उस रोड को देखा। एंड देन सेकेंड स्टेंजा है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्म देम रियली अबाउट द सेम। फिर पोइट कहता है, तब मैं दूसरी सड़क पर चल दिया जो कि पहली सड़क के जितनी ही सुंदर थी तथा इस सड़क का यह ज़्यादा अधिकतर अधिकार बनता था कि मैं इस पर चलूं, क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी और अभी यह घिसी हुई नहीं थी। यानी कि जिस रास्ते पे पोइट जा रहा था उस रास्ते पे अभी कोई गया नहीं था, वहाँ की घास अभी घिसी हुई नहीं थी, वहाँ से कोई गया नहीं था। जहाँ तक इनके इस्तेमाल होने का संबंध था, दोनों सड़कें लगभग एक समान रूप से इस्तेमाल की गई थी। चलो अब थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोविंग How well it's on the way. I doubted if I should ever come back. और उस सुबह दोनों सड़कें एक समान पत्तों से भरी हुई थी। उनमें से कोई भी सड़क अभी पैरों के चलने की वजह से काली नहीं हुई थी। मैंने पहली सड़क पर किसी अन्य दिन सफर करने का निश्चय करके उसे छोड़ दिया, किंतु मुझे पता था कि एक रास्ते में से दूसरा रास्ता निकलता रहता है, इसलिए मुझे संदेह हो रहा था कि उस सड़क पर यात्रा करने के लिए मैं फिर कभी लौट कर आ पाऊँगा या नहीं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। मैं इस बात को अनेक युगों के पश्चात गहरी सांस लेते हुए सुनाया करूँगा कि एक जंगल में दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं को जाती थीं और मैंने वह सड़क ले ली जिस पर से कम लोग चल कर गए थे और मेरे इस निर्णय ने मुझे बहुत बड़ा अंतर डाल दिया। इसमें पोइट का कहने का मतलब ये है कि हर किसी की लाइफ में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ से दो रास्ते निकलते हों। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उनमें से कौन सा रास्ता सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है, जो आगे जाके हमारे भविष्य के लिए सही और गलत साबित होता है। या तो हम वो रास्ता सिलेक्ट कर लें जिस पे सभी जा रहे हों, या फिर हम वो कुछ नया करने का अगर हमें जज्बा है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, तो हम वो रास्ता चुनें जिस पे या तो कोई ना गया हो या फिर वहाँ पे कम लोग गए हों, ताकि वो हमारा भविष्य बना सके, हमें लोगों से कुछ अलग दिखा सके।
तो दोस्तों ये थी 9th क्लास की पोयम द रोड नोटिस।